चलो आपको दिखाते हैं द हाइब्रिड, द चीपेस्ट हाइब्रिड, द टोयोटा हाई राइडर. दिस इज द एस वेरिएंट. दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल हाइब्रिड व्हीकल, द हाइब्रिड एसयूवी यू कैन बाय राइट नाउ. 15.11 लाख के शोरूम प्राइस पर ये गाड़ी अवेलेबल है. ये हाइब्रिड के साथ आती है. इट मींस 27.97 kmpl की क्लेम्ड माइलेज, जो कि सिटीज में 30 के आसपास के माइलेज, हाईवेज पे 24-25 के माइलेज आपको आराम से दे देती है विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. अब इस वेरिएंट की सबसे खास बात है इसका प्राइस. अगर आपके लिए चाहिए, आपको चाहिए एक बड़ी गाड़ी जो अच्छी माइलेज दे सके, एक अच्छी पावर दे सके, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो 15.11 लाख एक्स शोरूम प्राइस पर ये अवेलेबल है आपके लिए, जहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसके बारे में आज डिटेल में बताने वाला हूँ. सो सब्सक्राइब करें इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए. लाइक तो बनता ही. आपके लिए लेकर आया हूँ द मोस्ट अफोर्डेबल हाइब्रिड एसयूवी ऑफ इंडिया राइट नाउ, द टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर. अब ये बता दूं कि ये ग्रैंड विटारा में वेरिएंट अवेलेबल ही नहीं है. बेसिकली दिस इज़ द डेल्टा वेरिएंट अगर ग्रैंड विटारा के साथ देखेंगे तो. और ग्रैंड विटारा में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड शुरू ही जेटा और अल्फा पे होते हैं, तो यहाँ पर आपको डेल्टा, जेटा, अल्फा, यानी कि आपको एस, जी और वी में ऑप्शन मिल जाती है. दिस इज़ द एस वेरिएंट. फ्रंट में डिज़ाइन में आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा. इट इज़ एक्चुअली द सेम, कोई फ़र्क नहीं है. बिकॉज ये आपको LED DRLs, टोयोटा की बैजिंग और ये जो मैट फिनिशिंग के साथ साथ ग्लॉसी ब्लैक के साथ आपको दिया गया है ये डिज़ाइन, ये आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स में ही मिलता है. ये अक्रैलिक डिज़ाइन है. यूजुअली पियानो ब्लैक फिनिशिंग आती है. ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट लेगो किसी भी अगर हाई राइडर का लोगे तो आपको यहाँ पर इस तरह की ग्रूविंग अंदर जो है डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो कि माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है. प्लस आपको यहाँ पर ग्रे आपको स्किड प्लेट्स जो है वो ऑफर की जाती हैं. ब्लैक की जगह आपको यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग मिलेगी ऑन द हेडलैम्प प्रोजेक्टर साइड, जो कि ये यहाँ वाला एस वाला मॉडल जो है वो हैलोजन मिलेगा, LED नहीं है. बट बात वही है, इस तरीके से डिफरेंट है माइल्ड हाइब्रिड से. एक तो ये फ्रंट लुक और यहाँ पर आपको मिल जाती है ये क्रोम की फिनिशिंग, जो कि बाकी वेरिएंट्स में नहीं है. अगर आपको उसका डेमो दिखाना चाहूँ तो मैं वो भी दिखा देता हूँ. और अगर आप इसका टॉप मॉडल लोगे यानी कि वी मॉडल, तो यहाँ पर भी आपको एक क्रोम की स्ट्रिप है वो देखने को मिल जाती है. अब मैं आपके लिए तीन यहाँ पर फोटोज़ लगा रहा हूँ, एस वेरिएंट, वी वेरिएंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स के, और माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट लगाऊंगा आपको एक वी वेरिएंट का ही माइल्ड हाइब्रिड लगाया, तो आपको फ्रंट डिज़ाइन का काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा. अब साइड प्रोफाइल ऑफ द एस वेरिएंट हाइब्रिड में आपको हाइब्रिड की बैचिंग भी मिलेगी. स्टील व्हील्स मिलेंगे विद व्हील कवर्स. अभी व्हील कवर यहाँ नहीं है, वो आपको अलग से मैं दिखा देता हूँ. यहाँ अलॉय व्हील्स नहीं है, इसके ऊपर वाले मॉडल से मिलने शुरू होंगे. 17 इंचेस का साइज है, चाहे बेस मॉडल हो, टॉप मॉडल हो, साइज़ आपको यही मिलेगा. अब टोयोटा के साथ अच्छी चीज़ मुझे लगती है 3 ईयर्स की वारंटी आपको ऑफर की जाती है ऑल हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड, यानी कि हाई राइडर वेरिएंट्स में आपको 3 ईयर्स की वारंटी है कंप्लीट व्हीकल पे. ऐसे नहीं कि किसी पार्ट पे, किसी पार्ट पे नहीं. बाकी आपको 1 ईयर की जो सॉरी 1 आवर की जो एक्सप्रेस सर्विस मिल जाती है वो एडिशनल फीचर आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाला है. अब ये वाले वेरिएंट हो या फिर हाई राइडर के बाकी हो, रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर, को ड्राइवर साइड दोनों साइड मिलेगा, चाहे बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो. तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है कि रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड पर है. उसके अलावा अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्रोम यहाँ नहीं है, यहाँ पर रेन वाइजर्स नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको रूफ रेल्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि अपर वेरिएंट्स में है. बट इट्स परफेक्टली फाइन, नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क यहाँ नहीं पड़ रहा. बिकॉज दिस इज द एस वेरिएंट, ये माइलेज ओरिएंटेड मोस्ट अफोर्डेबल हाइब्रिड वेरिएंट में है. ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको सेफ्टी के पॉइंट में मिलेंगे. ABS, EBD आपको ऑफर किया जाता है. ड्यूल एयरबैग्स भी आपको इस वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं. हिल स्टार्ट असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल तो मिलेगा ही, और ब्रेक असिस्ट भी आपको सारे वेरिएंट्स में यहाँ पर टोयोटा हाई राइडर के साथ ऑफर किए जाते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रियर प्रोफाइल, जहाँ पर आपको बेस मॉडल से ही आपको शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है. डिफॉगर्स आपको बेस मॉडल से मिल जाते हैं, लेकिन इसके अपर वेरिएंट में जो चीज़ है वो है वाइपर और वॉशर, जो कि इस मॉडल में नहीं है. हाई स्टॉप लैंप आपको अच्छा खासा मिल जाता है, पीछे तक आता स्पॉयलर आपको मिल जाएगा. क्रोम की फिनिशिंग है आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ, वो भी ऑफर की जाती है. टोयोटा का बड़ा सारा लोगो है. रियर में आपको LED टेल लैंप्स बेस मॉडल से ही शुरू हो जाती है, टॉप मॉडल वाली ही मिलेंगी. अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग, आपको इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और ऑफकोर्स रिफ्लेक्टर भी ऑफर किया जाता है. रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं और उसके साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको एस वेरिएंट में मिलना शुरू हो जाता है. इस तरफ देखेंगे तो आपको हाइब्रिड एस की प्रॉपर जो है वो बैजिंग भी मिल जाएगी. लुक्स रियली नीट एंड टाइडी, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इनका क्रोम डिज़ाइन. रियर साइड में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि टॉप मॉडल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वाइपर की कमी है वो आपको यहाँ पर महसूस होगी, इसे अगर हम टॉप के साथ कंपेयर करें तो.
चलिए अब इसकी बूट स्पेस भी देख लेते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट द नॉर्मल हाई राइडर, दिस इज द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। व्हील कवर आपको पहले दिखाया तो इस तरह के व्हील कवर मिलेंगे, ओपन में नहीं करूँगा बिकॉज ये किसी कस्टमर की गाड़ी है, मैं नहीं चाहता कुछ स्क्रैच या डैमेज हो जाए। इसके अलावा आपको बूट स्पेस काफ़ी कम मिल जाती है, अराउंड 250 लीटर्स की बस, क्योंकि आपको बैटरी की जगह भी तो बनानी है। हालांकि आपको पार्सल्स थोड़ी सी स्पेस यहां पर मिलेगी, लेकिन ऊपर से इसको फ्लैट फ्लोर करने के लिए कुछ इस तरीके से रखा गया है। बस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की यही ये कमी लगती है कि स्पेस आपको काफ़ी कम मिलती है इन टर्म्स ऑफ बूट। नीचे की तरफ आपको इसके सारा टूल किट मिलेगा, बिकॉज जो इसका स्पेयर टायर है वो भी नीचे की तरफ है, नॉट लाइक दिस स्मार्ट हाइब्रिड जहाँ पर यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। टूल किट सारी यहाँ पर मिल जाएगी पंचर किट के साथ, और ये आपको मिल जाती है स्टोरेज फॉर योर लगेज एंड ऑल। इस तरफ आपको हुक मिलेगा, राइट साइड पे आपको एस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाती है लाइट एंड 12 वोल्ट का सॉकेट भी, जो कि आपको चाहे इसका माइल्ड हाइब्रिड हो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो दोनों में ही ऑप्शन जो है वो मिलेगी। एस वेरिएंट से आपको यहाँ पर जो प्रॉपर पार्सल ट्रे है वो भी मिलने लग जाती है, 3 से 4 किलो का जो वेट है ये आराम से सह पाएगी, और अच्छी खासी स्टोरेज आपको मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है सामान रखने के लिए। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स में आपको जो स्पेयर टायर है वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, ना कि बूट स्पेस में जैसे कि माइल्ड हाइब्रिड में मिलता है, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लेना। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट कोई भी लोगे तो आपको पुश स्टार्ट बटन जो है वो आपको ब्लू कलर का मिलेगा विद क्रोम फिनिशिंग, और ये ब्राउन दिया गया इंटीरियर जो कि ड्यूल टोन ट्रीटमेंट है फॉर द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स, बेसिकली ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है बिकॉज इसमें ना ही 360 डिग्री कैमरा आता है, ना ही आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा, जो कि यूजुअली ये बटन्स उसके लिए रखे गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका स्टेयरिंग, तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स विद क्रूज कंट्रोल, एंड यहाँ पर आप इसकी 7 इंच MID जो आपको मिल जाती है, डिजिटल क्लस्टर है, उसे कंट्रोल कर पाएंगे बिकॉज सारे बटन्स आपको यहीं पर ऑफर किए जाते हैं। इस तरफ देखेंगे तो आपको प्रॉपर एनिमेशन जो है वो देखने को मिलेगी, लुक्स रियली रियली गुड, सारे ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। और ये जो 7 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगती है बिकॉज काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर है। अब यहाँ पर भी कार्बन फिनिशिंग दी गई है, कार्बन फाइबर की फिनिशिंग जैसे कि आपको फ्रंट में दी गई है ऑन द ग्रिल, लुक्स रियली रियली गुड। अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे में तो काफ़ी अच्छा आइडिया होगा आपको, और ये इंग्रेव्ड है। तो स्टीयरिंग ओवरऑल 3-स्पोक डिज़ाइन मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। हेडलाइट्स कंट्रोल यहाँ से, वाइपर कंट्रोल्स यहाँ से, ओवर व्यू हम कंट्रोल करना चाहते हो तो राइट साइड से आपको वो भी ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल भी है। उसके साथ साथ आपको लॉक अनलॉक, विंडो कंट्रोल्स, क्रोम फिनिशिंग और साथ में सिल्वर फिनिशिंग ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के साथ, बाकी स्टोरेज तो आपको मिलेगी ही। अब एस वेरिएंट के इंटीरियर में आपको 7 इंच की एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाली टच स्क्रीन जो है वो प्रॉपर ऑफर की जाती है विद फुली ऑटोमेटिक AC, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाएगा। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है वो नहीं ऑफर किया जाता। 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB पोर्ट फॉर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले प्रॉपर आपको यहाँ पर मिल जाती है, स्टोरेज फॉर योर फोन, वॉलेट, कीज एंड एवरीथिंग। और कीज से याद है आपको कीज तो दिखा दूँ, लॉक अनलॉक वाली बेसिक टोयोटा की लोगो वाली बेस से लेकर टॉप तक आपको सारी सिमिलर कीज जो है वो ऑफर की जाती हैं। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स, वॉइस कमांड्स, ECVT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक CVT की ऑप्शन, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ ऑप्शन मिल जाती है, जिसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और बैटरी मोड भी आपको ऑफर किया गया है, जो कि अकेला ही अकेला बैटरी पे इसको चलाएगा। साथ में नीचे की तरफ आपको EV मोड और ड्राइव मोड है वो भी ऑफर किए जाते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अगर आप इस व्हीकल को सिर्फ और सिर्फ EV पे चलाना चाहें वो चला सकते हैं, सिर्फ ड्राइव पे चलाना चाहें वो भी चला सकते हैं, और इससे ड्राइव मोड्स भी चेंज होते हैं, यानी कि इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स भी, यानी कि पावर, इको, नॉर्मल और पावर। साथ में आपको स्टोरेज कप होल्डर्स के साथ यहाँ नीचे मिलेगा, स्लाइडर आपको आर्मरेस्ट मिलेगी विद स्टोरेज एज वेल, ग्लव बॉक्स आपको यहाँ कूल नहीं बल्कि नॉर्मल मिलेगा, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के साथ सब हार्ड प्लास्टिक में ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट की सारे फीचर्स आपके लिए यहाँ पर अच्छे खासे लिस्ट आउट कर देता हूँ। मैनुअल IRVM है, अगर ऑटोमेटिक IRVM लेना चाहते हो तो इसके अपर वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा, उसके प्राइसिंग आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। नाउ लेट मी जस्ट क्लियर सम फैक्ट्स अबाउट इट। एस वेरिएंट मुझे लगता है कि अगर जिसके लिए बहुत ज़रूरी है माइलेज, उसी को लेना चाहिए, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिर्फ फीचर्स देख रहे हो तो मुझे लगता है कि बेस मॉडल माइल्ड हाइब्रिड वाला ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज 15 लाख एक्शोरूम देकर भी आपको बहुत सारे फीचर्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि एक बड़ी टच स्क्रीन, साथ में ऑफकोर्स आपको यहाँ पर लाइट कोई नहीं मिल रही है, पैनोरामिक सनरूफ वगैरह नहीं है। 15 लाख एक्शोरूम बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि वो एक बेटर ऑप्शन है। या तो कम खर्चा करो, कम में खुश हो जाओ, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा लो अपने हिसाब से, या अगर 15-16 लाख खर्च कर ही रहे हो तो माइल्ड हाइब्रिड का ही टॉप मॉडल ले लो ना, उसमें आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे। माइलेज का नो डाउट उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं मतलब पड़ पाए, फ़र्क आएगा, उतनी अच्छी माइलेज आपको वहाँ नहीं मिल पाएगी, बट सिर्फ माइलेज के लिए इनिशियली इतनी ज़्यादा कॉस्ट देना क्या सेंस बनती है?
नो डाउट थोड़ी सी पावर भी बढ़ जाती है, लेकिन बिकॉज दिस इज़ अ थ्री सिलेंडर इंजन, थ्री सिलेंडर यूनिट है, तो कहीं ना कहीं इसकी वाइब्रेशन नॉइस भी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू द फोर सिलेंडर 1.5 लीटर. तो आपको काफ़ी अच्छा उसका आइडिया लग जाएगा. नाउ लेट मी जस्ट शो यू द फीचर्स ऑफ द एस वेरियंट. यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, ड्यूल एयर बैग्स, ABS EBD, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हाइट एडजस्टेबल आपके लिए सीट बेल्ट मिल जाती है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए. तो इस तरह के फीचर्स इसको काफ़ी स्पेशल बना देते हैं. ECVT बहुत ही स्मूथ है, नो डाउट उसमें. अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ले ही रहे हो तो टॉप मॉडल प्रेफर करना. अगर माइलेज भी चाहिए तो फीचर्स भी सारे लेना, तो मुझे लगता है वो एक बेटर ऑप्शन साबित होगी. फीचर्स आपको यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन स्टिल 1,500,000 एक शोरूम दे के मुझे लगता है कि और मिल सकते थे. तो गो फॉर दी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टॉप मॉडल जो टोयोटा हाई राइडर का आता है. व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके जरूर बता दे. अब चलते हैं इसके रियर साइड पे. अब एस वेरियंट के रियर में आपको क्या क्या मिल जाता है. रियर AC वेंट्स हैं, एडजस्टेबल आप इनकी स्पीड कर सकते हैं. फास्ट चार्जिंग USB टाइप सी, फास्ट चार्जिंग USB टाइप ए. फोन की स्टोरेज आपको अच्छी खासी डीप मिल जाती है. सीट पॉकेट के पीछे भी आपको प्रॉपर जगह मिल जाती है. आर्मरेस्ट स्लाइडिंग जैसे कि मैंने फ्रंट में बता दिया. लाइट्स आपको यहाँ पर ऑफर की जाती हैं, हैलोजन, जो कि आपके रीडिंग को काफ़ी इजी बना देती है. साथ में कंफर्ट इजी बनाना है तो आपको मिल जाती है ये आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स एज वेल. तीन लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं. थोड़ा सा हम बीच में ज़रूर है, बट इट्स ओके, तीन लोग बैठ पाएंगे कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं आएगी. हेडरूम मेरे को अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है, बिकॉज जो सनरूफ वाले वेरियंट्स हैं, पैनोरामिक सनरूफ वाले, उसमें थोड़ा सा टाइट है, बट इसमें मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती है. लेगरूम, प्लेंटी ऑफ लेगरूम. अंडर थाई सपोर्ट रियली गुड, कोई दिक्कत नहीं है. बैक सपोर्ट भी अच्छा खासा है. रिक्लाइनिंग सीट मुझे बेस मॉडल से मिलनी शुरू हो जाती है. एडजस्टेबल मेरे को हेडरेस्ट मिल जाते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए, और ऑफकोर्स सीट बेल्ट्स तो है ही. और ये वाली सीट सारी फैब्रिक है, ये वाली है, ये वाली साइड पे भी आपको फैब्रिक ही देखने को मिलेगा ऑन द डोर साइड्स, जो कि आपको एक अच्छा खासा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है. बाकी वहाँ पर आपको स्टोरेज भी मिलेगी, क्रोम डोर हैंडल्स है, सिल्वर फिनिशिंग है, पावर विंडोज़ है, स्पीकर सिस्टम भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा. अब टोयोटा हाई राइडर का एस वेरियंट मुझे तो वैल्यू फॉर मनी लगता है, बिकॉज 1,500,000 एक शोरूम प्राइस में आपको माइलेज अच्छी मिल जाती है. ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सबसे अफोर्डेबल वेरियंट जरूर है, लेकिन अगर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको गाड़ी चाहिए तो आई थिंक बेस मॉडल बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है. या अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ही लेना है तो टॉप मॉडल ही लो. तो बेस मॉडल माइल्ड हाइब्रिड वाला ई, या फिर इसका एस वेरियंट या जी वेरियंट ऑफ 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड, या फिर लो अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टॉप मॉडल. ये मुझे लगता है चार वेरिएंट्स इसके बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल है. आपके सामने मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, सॉरी मोस्ट अफोर्डेबल मैंने यहाँ पर आपको हाइब्रिड वेरिएंट दिखा दिया है. आपको कैसा लगा अपना ओपिनियन नीचे ज़रूर शेयर कर दें. दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द एस वेरियंट, द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड. उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी. यहाँ तक देख ही लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें. मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. अंटिल देन, ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय.